हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू सेशन। ओके, इस सेशन में हम मैथ्स वन का पहला चैप्टर, नाइन्थ स्टैंडर्ड मैथ्स वन पहला चैप्टर, जिसका नाम है सेट, और उस सेट के बारे में जानेंगे और उसके बारे में जो भी क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे। ओके, अभी सेट का मतलब क्या होता है उसका पहले डेफिनेशन समझें। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया, मेक अ सेट ऑफ योर फेवरेट सब्जेक्ट। ओके, अगर मैंने बोला है फेवरेट सब्जेक्ट, तो फेवरेट हर एक के हिसाब से अलग होगा, बराबर। जैसे कि कोई बोलेगा मेरा फेवरेट मैथ्स है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, कोई बोलेगा मेरा फेवरेट मराठी है, इंग्लिश है, बराबर। तो हर एक का आंसर सेम आएगा क्या? नहीं, बराबर। या किसी एक टीचर को पूछा आपके कि जो होशियार बच्चे हैं उनका एक सेट बनाओ। ओके, मेक अ सेट दोज हु आर स्कॉलर। अभी स्कॉलर बच्चे हैं, होशियार बच्चे हैं, हर एक टीचर के हिसाब से अलग अलग होगा ना। मैथ्स की टीचर मैथ्स वाले बच्चे ढूंढेगी जो मैथ्स में अच्छा करते हैं, हिंदी वाली बच्चे हिंदी वाले ढूंढेगी, बराबर। इसका मतलब है अगर आंसर सेम नहीं आ रहा है तो वो सेट नहीं है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे बोला कि मेक अ सेट ऑफ 1 to 10 नंबर्स, मेक अ सेट ऑफ 1 to 10 नंबर्स, ओके, तो जो इंडिया में है वो भी बोलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, जो अमेरिका में है, बराबर, अमेरिका यानी कि अमेरिका या अदर कंट्रीज ले लो, वो फॉरेन कंट्रीज में वो भी क्या बोलेगा, 1 2 3 4, खाली अलग बोलेगा 5 2 3 4, बराबर। लेकिन बोलेगा तो सेम ही ना, लिखेगा तो सेम ही ना। तो ऐसे से या ऐसे पार्ट जो हर एक के बारे में जो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल यानी कि जो आंसर हर एक का सेम आएगा, चाहे आप इंडिया में हो, अमेरिका में हो, दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, उसका आंसर आपको सेम ही मिलेगा। ऐसे पार्ट को हम क्या कहेंगे, सेट, बराबर। कि जिसका सेट आप बना सकते हैं या नहीं भी बना सकते हो, बराबर, लेकिन वो हर एक के लिए सेम है, उसको हम क्या कहेंगे, सेट। समझ में आया सेट? तो सेट समझने से पहले आपको कुछ जो बेसिक कंसेप्ट है आपको मालूम भी होगा, नहीं मालूम है तो भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो भी सेट है। यहाँ नेचुरल नंबर, ओके, नेचुरल नंबर यानी कि एन से डिनोट करना है आपको, कैपिटल वाला है। अभी नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, तो मेरे हिसाब से जो नंबर, मेरे हिसाब से नहीं सबके हिसाब से, वन से स्टार्ट होते हैं। अभी वन मैथ्स का भगवान है, ध्यान में कैसे रखना है या रिमेंबर कैसे रहना है, जैसे लाइफ टाइम तक अगर आपको किसी ने भी पूछा तो नेचुरल नंबर याद आना चाहिए। तो वन हमारा मैथ्स का भगवान है, बराबर, और भगवान ने ही नेचर बनाया है, तो वन से जो स्टार्ट होगा, बराबर, सारे पॉजिटिव नंबर आ एंड तक, एंड इन्फाइनाइट तक, सारे क्या है अपने नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे जीरो नहीं है और नेगेटिव नंबर नहीं आते, ये बात ध्यान में रखना है। नेचुरल नंबर जो वन से स्टार्ट होते हैं उनको क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, क्योंकि वन मैथ्स का भगवान है। ओके, इवन नंबर मालूम है, जिसको टू से डिवाइड होता है वो इवन, टू से डिवाइड नहीं होते वो ऑड नंबर होते हैं। ओके, उसके बाद है होल, होल गोल, होल गोल, बराबर, होल गोल, गोल यानी कि क्या, जीरो, जो नंबर जीरो से पॉजिटिव आगे स्टार्ट होते हैं उसको कहते हैं होल। तो इसके लिए ट्रिक क्या है, होल गोल, बराबर। तो गोल ध्यान में रखना है, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, डॉट 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 का मतलब है इन्फाइनाइट तक, क्योंकि वो आगे बहुत सारे नंबर हैं जिसको हम गिनते जाएंगे, इनफाइनाइट कहते हैं उसको। इंटीजर नंबर आई से डिनोट होता है। अभी इंटीजर में क्या है, देखो अभी हमने मैथ्स 2 का पहला चैप्टर देखा है, बराबर, उसमें नंबर लाइन देखी है, वहाँ पे जीरो है बीच में, यहाँ पे सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव। इसका मतलब इंटीजर में पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, और कौन आता है, जीरो भी आता है। ओके, तो ये बात ध्यान में रखें, इंटीजर का मतलब नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरो। ओके, रैशनल नंबर क्या है, इसको क्यू से, अभी क्यू से क्यों डिनोट कर दें, क्योंकि रियल नंबर भी है जिसको आर दिया, तो एक ही आर वन आर टू नहीं दे सकते हैं, बराबर। तो इसके लिए यहाँ पे क्या दिया है, रैशनल नंबर है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, रैशनल नंबर के लिए कौन सा नोटेशन दिया है, क्यू। ओके, अभी रैशनल नंबर क्या होता है, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन है कि कोई जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर चाहिए, ऊपर और नीचे नंबर चाहिए, और वो पॉइंट में आंसर आना चाहिए स्पेसिफिक।
इसको रैशनल कहते हैं। और इरेशनल का मतलब पॉइंट में आता है, लेकिन देखो आपने देखा होगा कि कंटिन्यूस चला जाता है 6 7 8 3, उसका आंसर ही एंड नहीं होता है, 0.3 4 5 ऐसे कंटिन्यू चला जाता है, उसको इरेशनल कहते हैं। और जो स्टॉप होता है यानी कि रिकरिंग नहीं होता है, जिसको हम क्या कहते हैं टर्मिनेटिंग, बराबर उस नंबर को क्या कहते हैं रैशनल नंबर। और यहाँ पे एक डिनोमिनेटर जीरो नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं चाहिए, कोई भी नंबर हो चलेगा लेकिन जीरो नहीं चाहिए, और फ्रैक्शन चाहिए, उसको क्या कहते हैं रैशनल, जिसको किससे डिनोट करते हैं क्यू। रियल नंबर है, रियल में क्या आता है रैशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं, इसके लिए ऑल नंबर्स लिखा है। अभी सेट्स का देखो, यहाँ पे दो मेथड है राइटिंग का, लिखने का दो मेथड है। अभी लिखने का दो मेथड क्या, यहाँ पे मैंने लिखा राइट अ सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर, बराबर सेट ऑफ इवन नंबर लिखा है, ये वर्डिंग में लिखा है ना मैंने, या कोई फॉर्मूला लिखा है, बराबर वर्डिंग में लिखा है या फिर फॉर्मूला लिखा है, या फिर मैंने यहाँ पे लिखा एन एक नेचुरल नंबर है और आपको एन के क्या लिखने हैं स्क्वायर, क्या लिखने हैं स्क्वायर, ओके एन एक नेचुरल नंबर है, एन के क्या लिखने हैं स्क्वायर, बराबर। तो नेचुरल नंबर में जो जो है यानी कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, ऐसे हर एक का स्क्वायर लिखते जाना पड़ेगा। तो ये मैंने लिस्ट कर रहा हूँ, इसके लिए इसका नाम है लिस्टिंग और रोस्टर मेथड, ओके। अगर फॉर्मूला लिख रहा हूँ या फिर वर्डिंग में लिख रहा हूँ तो उसका नाम है रूल मेथड या सेट बिल्डर मेथड। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि लिखने के दो टाइप है, नाम अलग है, देखो रूल और सेट बिल्डर नाम अलग है लेकिन बराबर। तो रूल मेथड लिखा तो भी ऐसे ही टाइप में आएगा, जिसको आपको क्या करना है फॉर्मूला रहेगा या फिर आपको वर्डिंग में लिखना है, वो कैसे लिखना है क्वेश्चन लिखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, सेट बिल्डर मेथड समझ में आएगा, कैसे सेट बनाते हैं, नंबर दिया और सेट कैसे बनाते हैं ये हम देखेंगे 1.1 में, बराबर। लिस्ट मतलब आपको लिस्ट करना है, जैसे कि आपको इवन नंबर बोला है तो इवन नंबर क्या आता है 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। तो ये मैंने लिस्ट बना दी कॉमा 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 करके, तो इसको लिस्टिंग या फिर दूसरा नाम है रोस्टर मेथड भी कहते हैं, ओके। तो यहाँ तक आपको समझ में आया नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 भगवान मैथ्स का भगवान 1 है, इवन नंबर है डिवाइड बाय 2, और जो 2 से डिवाइड नहीं होते उसको ऑड कहते हैं, होल गोल क्या बोला होल गोल, ये रिपीट करना है आपको ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है हमारे बैक ऑफ द माइंड ये सेव हो जाता है, और जब भी गोल आपका क्लिक होगा रीड करते समय आपके दिमाग में अपने आप गोल आ जाएगा, गोल यानी कि 0 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर, इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव और 0, रैशनल नंबर फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और आंसर पॉइंट में चाहिए यानी कि डेसिमल में चाहिए, ओके। रियल नंबर आर जिसमें रैशनल भी आते हैं इरेशनल भी आते हैं, ओके। और मेथड्स ऑफ राइटिंग दो देखे, रूल मेथड जिसका दूसरा नाम है सेट बिल्डर मेथड जिसमें हम वर्डिंग में लिखते हैं या फिर फॉर्मूला रहता है, लिस्टिंग मेथड यानी कि जो वर्ड में दिया है उसका लिस्ट बनाना है, इसको क्या कहते हैं हम लिस्टिंग मेथड, ओके। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि जो हमारा 1.1 है उसके ऊपर मूव ऑन करते हैं। अभी 1.1 जो पार्ट है वो आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि क्या है उसमें ही आपको क्वेश्चन है और क्वेश्चन से आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, ओके। जो मैं करूँगा यहाँ राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर मेथड। अभी देखा रोस्टर, रोस्टर का दूसरा नाम है लिस्टिंग, यानी कि हमें लिस्ट बनानी है। तो पहला क्वेश्चन दिया है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, ओके। क्या दिया है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, यानी कि दो कंडीशन है, इवन भी चाहिए और नेचुरल भी चाहिए, नेचुरल यानी कि जो 1 से आगे पॉजिटिव नंबर, इवन का मतलब मैंने बोला 2 से डिवाइड तो स्टार्ट। देखो एक और बात आपको ध्यान में रखनी है, जो भी सेट लिखना है वो हमेशा लिस्ट करते समय या फॉर्मूला लिखते समय जो भी सेट का दोनों मेथड में हमें किस में लिखना है वो कर्ली ब्रैकेट। अभी बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं आता है, पहले पहले प्रॉब्लम होता है, लेकिन प्रैक्टिस करना है अपने आप आ जाता है, ओके। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे अपने आप वो फ्री हैंड हो जाता है। सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, इवन यानी कि 2 से डिवाइड होने वाले और नेचुरल यानी कि 1 से आगे सब पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पे लिमिट बोला है क्या, स्टार्टिंग वालों में स्टार्टिंग 2 से होगा, बराबर 2 के टेबल में आने वाला है 4 6 8 10,
अभी मुझे क्या सब लिखने हैं क्या, कोई लिमिट है क्या इवन नेचुरल नंबर का? नहीं है, तो आगे आपको डैश डैश कंपलसरी। इसका मतलब क्या होता है कि ये नंबर्स कंटिन्यूसली आगे बढ़ेंगे, ओके। और यहाँ पे आपको कर्ली ब्रैकेट देके सेट कंप्लीट कर देना है। क्वेश्चन नंबर टू पे मूव ऑन करते हैं। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, अभी यहाँ पे देखो दो कंडीशन है, इवन और प्राइम। पहले तो आपको प्राइम समझना है, प्राइम नंबर क्या होता है, ओके। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्राइम नंबर। इसके लिए ट्रिक है, शायद 8 में मैंने पढ़ाया होगा तो आपको मालूम है, जिसका भगवान एक है, जिसका भगवान एक है। अभी इसका मतलब क्या होता है, एक बात ध्यान में रखो, वन प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वन वन के ही टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता है इसके लिए, ओके। अभी यहाँ पे देखो, अगर मैं टू लिख रहा हूँ तो टू किस किस के टेबल में आता है, वन के तो आएगा ही, और दूसरा है उस खुद, बराबर। और किसी के टेबल में टू आता है क्या? नहीं। तो टू का भगवान खाली वन है ना, तो जिसका भगवान खाली वन है वो क्या है, अपना प्राइम नंबर है। इसके बाद अगर मैं थ्री ले रहा हूँ तो थ्री का देखो वन के टेबल में कंपलसरी आता है, देखो वन के टेबल में हर एक नंबर आएगा। दूसरा है टू के टेबल में आता है, नहीं, थ्री किसके टेबल में आएगा, थ्री। तो वापस देखो थ्री का भगवान खाली एक है, मतलब जिसका भगवान एक है, तो ये थ्री भी प्राइम नंबर। अभी फोर ले रहा हूँ, फोर देखो वन के टेबल में आता है, इसके बाद हाँ याद करो किसका टेबल, हाँ टू का टेबल, बराबर। उसके बाद कौन, थ्री के आता है, नहीं फोर के आ रहा है। तो यहाँ पे देखो ये फोर जो है इसके भगवान कितने हो गए, दो हो गए ना। तो अगर दो से एक, दो या दो से ज़्यादा भगवान है तो प्राइम नंबर नहीं, इसको कंपोजिट कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोजिट, ओके। तो अभी यहाँ पे क्या बोला है, इवन प्राइम नंबर, तो एक ही ऐसा नंबर है जो इवन भी है, इवन भी है और प्राइम भी है। यहाँ पे खाली आंसर आएगा टू। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, एक ही ऐसा नंबर है इवन वाला जो प्राइम भी है। बाकी देखो ये फोर इवन है, उसका हो गया ना, सिक्स इवन रहेगा तो उसके भी तीन आ जाते हैं, बराबर। तो ये बात आपको समझना है, जो इवन है और प्राइम है ऐसा एक ही नंबर है, तो उसको लिख दिया टू, बराबर। कॉमन है क्योंकि आगे कोई नंबर ही नहीं, तो यहाँ पे आपका सेट खत्म। अभी देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थ्री, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। अभी नेगेटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स तो आपको मालूम है कि जी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तीन टाइप है, बराबर। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दो कंडीशन है, नेगेटिव लिखना है और इंटीजर, यानी कि नेगेटिव वाले सब। तो नेगेटिव वाले कौन है, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव एंड डॉट डॉट डॉट। अगर पॉजिटिव बोला तो वन टू थ्री, नेगेटिव बोला इसके लिए सारे नेगेटिव ही लिख रहा हूँ, पॉजिटिव यहाँ पे आना नहीं चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया है नेगेटिव चाहिए और इंटीजर चाहिए, ओके। ये तो आपको आना ही चाहिए। सेवन बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम। सरगम यानी कि म्यूजिक, अगर आपने देखा है या सुना, सुनते तो होंगे, बराबर। गाने की कोशिश मत करो, ऐसे ही लोग लॉकडाउन में लोग फ्रस्ट्रेट है, बराबर। आगे देखते हैं, तो क्या है सरगम, सात सुर है हमारे इंडियन कल्चर में, बराबर, या इंडियन म्यूजिक जो है उसके सात सुर है, सबको मालूम है, सा रे गा मा प द नी। सा नहीं लिखना है क्योंकि देखो सेट ऐसी चीज़ है, एक नंबर वापस नहीं आना चाहिए। सा रे ग म प द नी, कितने हो गए, सात सरगम, सात सुर हो गए। यहाँ पे मेरा ये लिस्टिंग वाला पार्ट क्या होता है, खत्म होता है। समझ में आया? लिस्ट यानी कि आपको वर्डिंग में कुछ दिया रहेगा, उसका आपको लिस्ट बनाना है, जिसको क्या कहते हैं हम, लिस्टिंग मेथड। ये 1.1 का क्वेश्चन वन। अभी क्वेश्चन टू पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन टू को देखना है हमें यहाँ पे, राइट अ सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड्स। कुछ चीज़ें हमें सिंबल में दी है, बराबर, उसको हमें वर्ड्स में लिखना है। अभी वर्ड्स में क्या होता है, देखो कुछ कुछ चीज़ें अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, जैसे कि मैंने कहा कि ए इज इक्वल टू बी, ये मैंने सिंबल में लिखा है ना। अगर इसको मुझे वर्ड में लिखना हो तो कैसे लिखूँगा, ए इज
इक्वल टू बी, इसको कहते हैं सिंबॉलिक स्टेटमेंट, इसको कहते हैं वर्ड स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स हमें लिखना है, लेकिन किस में लिखना है, वर्ड्स में। तो यहाँ पे देखो 4/3, ये नया साइन दिख रहा है आपको, ई के जैसा दिखता है, लेकिन ई नहीं निकलना है, हाफ सर्कल निकलना है और बीच में लाइन देना है। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। अभी बिलोंग्स टू का मतलब क्या है, हमारे सिंपल लैंग्वेज में पार्ट ऑफ, जैसे कि यू आर अ पार्ट ऑफ योर फैमिली, इसका मतलब क्या है, यू आर बिलोंग्स टू योर फैमिली। ओके, समझ में है, बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, पार्ट ऑफ, जैसे कि तुम फैमिली का हिस्सा हो। तो अगर वो दिखाना है तो कैसे साइन से दिखाएंगे, इस साइन से। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4/3 बिलोंग्स टू, क्या लिखना है, बिलोंग्स टू क्यू। क्यू का मतलब मैंने बोला है, देखो क्यू क्या, याद करो बराबर, क्यू का मतलब क्या है, ये नोटेशन है किसके लिए है, रैशनल नंबर। यहाँ पे क्या आएगा, 4/3 बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, या फिर सिंपल लैंग्वेज में अगर आपके स्कूल में अलाउ करते हैं तो लिख सकते हो 4/3 इज अ पार्ट ऑफ रैशनल नंबर, लेकिन नहीं अलाउ करें तो बिलोंग्स टू लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, यहाँ पे -2 है, बिलोंग्स टू एन बोले, शायद टेक्स्ट बुक में यहाँ पे क्रॉस है, बराबर, -2 क्रॉस का मतलब होता है नॉट, जैसे कि हम इक्वल लिखते हैं और इसको क्या बोलते हैं, नॉट इक्वल, वैसे यहाँ पे -2 नॉट बिलोंग्स टू एन, एन का मतलब क्या होता है, याद करो स्टार्टिंग वाला भगवान एन नेचुरल, बराबर, तो यहाँ पे आएगा -2 डज नॉट बिलोंग्स टू, -2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और एक पार्ट है, अगर नेचुरल नंबर नहीं है -2 तो क्या है, अभी लिखा हमने -2 क्या है, इंटीजर है, समझ में आ रहा, जो नेगेटिव नंबर आते हैं किस में आते हैं, इंटीजर में। यहाँ पे क्वेश्चन टू का एक सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट ये है पी, ये कैपिटल पी है, टेक्स्ट बुक में अच्छे से देखो, और ये वाला स्मॉल पी है, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। ये जो कैपिटल पी है का ऐसा सेट है जो स्मॉल पी इज एन ऑड नंबर। ओके, यहाँ पे लिखना है, ओके क्या लिखना है हमें यहाँ पे, कि पी इज अ सेट ऑफ ऑड नंबर्स पी। ओके, पी एक ऐसा सेट है कैपिटल वाला जो स्मॉल ऑड नंबर्स, स्मॉल पी से डिनोट किया, ऑड नंबर्स को किस से डिनोट किया है, स्मॉल पी से, पी इज अ सेट ऑफ ऑड नंबर्स पी, यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिख दिया, जो भी ऑड नंबर्स है उनका स्मॉल पी, उनको नोटेशन दिया स्मॉल पी, अगर उनका सेट बनाऊंगा तो क्या बनेगा, कैपिटल पी। तो यहाँ पे क्या लिखना है, पी इज अ सेट ऑफ ऑड नंबर्स, और यहाँ पे स्मॉल पी लिखना है, इसको कहते हैं स्टेटमेंट में लिखना। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है 1.1 में अब तक, क्वेश्चन 1 में लिस्टिंग फॉर्म देखा है, लिस्टिंग फॉर्म यानी कि सेट आपको वर्डिंग में दिया रहेगा, उसको आपको लिस्ट बनाना है, जैसे कि इवन नेचुरल, तो इवन मतलब 2 के टेबल में आने वाले हो, नेचुरल पॉजिटिव नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम, प्राइम का कंसेप्ट मैंने बता दिया, जिसका भगवान एक है, नहीं समझाए तो रिवाइंड करो वीडियो को और समझ के ले लो। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर दिया है, नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 -4, नेगेटिव बोला इसके लिए खाली नेगेटिव, अगर इंटीजर्स बोलते तो सब आता, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो भी। 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सर्कल सूर, तो यहाँ पे देखो अगर मैंने बोला, बहुत सारे सेट आप लिख सकते हो, जैसे कि मेक अ सेट ऑफ 7 कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट का सेट आ सकता है ना, बराबर, या 7 कॉन्टिनेंट्स लिखो, या फिर ओनली कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स लिखा दो भी, कितने 7 कॉन्टिनेंट्स है, बराबर, आपको मालूम है कौन कौन से है, आगे वो क्वेश्चन आएगा जब हम उस क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन 2 था, राइट अ सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड्स, तो सिंबॉल में कुछ दिया है और उसको हमें वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। तो सिंबल्स के लिए पहले मैंने एक बात बता दी कि इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, अगर इसके ऊपर क्रॉस आ गया तो उसको डज नॉट बिलोंग टू कहेंगे, यानी कि पार्ट नहीं है उसका, बराबर। तो यहाँ पे 4/3 बिलोंग्स टू क्यू, यानी कि 4/3 किसको बिलोंग कर रहा है, किसका पार्ट है, 4/3 इज अ पार्ट ऑफ रैशनल नंबर, या फिर 4/3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर है। ओके,
माइनस टू यहाँ पे क्रॉस है, यानी कि डज नॉट बिलोंग्स टू एन। एन का मतलब क्या बोला है हमने, नेचुरल, हमने नहीं वो लिखा है, नोटेशन लिखा है ताकि सिंबल में हम लिख सकें। ओके और यहाँ पे पी था, कैपिटल पी इज अ सेट ऑफ स्मॉल ऑड, मतलब स्मॉल ऑड नंबर्स को यहाँ पे स्मॉल पी नोटेशन दिया है, इसके लिए सेट ऑफ ऑड नंबर्स पी। तो ऐसे हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं और लिस्ट बना सकते हैं। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट हम बाद में देखेंगे। ओके थैंक यू। ओके तो अब तक हमने सेट चैप्टर का 1.1 क्वेश्चन 3-2 तक देखा है। 3 आपको होमवर्क है, वो होमवर्क क्यों है, क्योंकि आपको कोई भी सेट आपके मन से लिखना है। ओके रूल मेथड लिस्ट मेथड में आपको लिखना है। अभी वो कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, वो हमें क्वेश्चन 4 में समझ आएगा। इसके लिए मैंने क्वेश्चन 3 आपको होमवर्क दिया है। यहाँ पे 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 में हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड। ओके अभी हमें लिस्टिंग यानी कि क्या करना है, लिस्ट बनाना है वापस। यहाँ पे ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर, ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर। अभी इंडियन सोलर ईयर कौन से मंथ्स होते हैं, बराबर ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये जो है ये सब ग्रेगरियन ईयर्स हैं। ग्रेगरियन यानी कि फॉरेन वाले, फॉरेन वाले यानी कि इंग्लिश ईयर, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं, जिसको हम फॉलो करते हैं, बराबर, या पूरी दुनिया उसको फॉलो करती है। लेकिन इसके पहले हमारे खुद के इंडियन कल्चर के सोलर ईयर के हिसाब से कुछ मंथ बनाए गए हैं, सोलर के हिसाब से, सोलर सिस्टम के हिसाब से। उसके नाम सबको नहीं मालूम होते हैं, कुछ कुछ को मालूम भी है तो भी आपको यहाँ पे लिखने हैं, लेकिन राइट स्पेलिंग के साथ, जैसे कि चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, बराबर। तो ऐसे टोटल 12 मंथ्स हैं। कितने मंथ्स हैं, 12। मैं ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ आपके नॉलेज के लिए, गूगल सर्च कीजिए, बराबर, और आपको 12 मंथ्स इंडियन सोलर ईयर के ढूंढने हैं, स्पेलिंग याद करने हैं, और यहाँ पे एक एक करके कॉमा करके, जैसे कि मैं यहाँ पे चैत्रा लिख रहा हूँ, बराबर, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, बराबर, ऐसे एक एक करके आपको कॉमा करके लिखना है। खाली स्पेलिंग, जैसे कि कभी कभी क्या होता है, वैशाख मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेकिन इंग्लिश में देते हैं वैशाखा, जैसे कि राजा अशोक है लेकिन इंग्लिश में उसे अशोका कहते हैं, बराबर। तो उस हिसाब से आपको स्पेलिंग अच्छे से देखना है, क्योंकि मंथ्स तो मालूम होते हैं लेकिन स्पेलिंग में अगर मिस्टेक हो गया तो भी मार्क्स आपके कट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे लेटर्स इन द वर्ड ऑफ कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे हमें लेटर्स लिखने हैं इन द वर्ड ऑफ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में कौन सा, सी आ रहा है, ओके तो सी लिखा, कॉमा दिया। ओ आ रहा है, ओ लिखा, कॉमा दिया। इसके बाद क्या आ रहा है, एम लिखा, कॉमा दिया। उसके बाद क्या आ रहा है, पी लिखा, कॉमा। अगर कैपिटल में दिया है तो यहाँ पे भी कैपिटल में ही लिखना है। एल लिया, लिखा, ई लिखा। अभी देखो एम एक बार लिखा है ना, तो सेट में एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जो एक बार लिखा है उसे वापस नहीं लिखना है। तो एक बार क्या लिखा है, एम लिखा है, तो एम एक बार हुआ है, तो अगर वापस कितने बार भी आ जाए उस स्पेलिंग में, उस वर्ड में, खाली एक ही बार हमें लिखना है। ई हो गया, ई के बाद एम, चलो एक बार हो गया तो हो गया। ई देखो, ई हुआ है तो वापस ई नहीं आएगा। उसके बाद क्या है, एन, और इसके बाद क्या है, टी। तो इस वर्ड को यूज़ करके कॉम्प्लीमेंट, ये वर्ड बन रहा है इस लेटर को यूज़ करके, तो उसका सेट इतना ही। मैंने यहाँ पे क्या बोला है, क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जो लेटर या जो नंबर एक बार आया है वो लिस्टिंग में वापस नहीं लेना है। एक बार हुआ तो वापस लिस्टिंग में उसे नहीं लेना है। ओके क्वेश्चन नंबर 3, यह है आपको सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन। ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन यानी कि हमें सेंस देने वाले ऑर्गन्स, जैसे कि आईज, नोज, टंग, स्किन एंड ईयर्स, बराबर। तो ये हमें लिखने हैं लेकिन स्पेलिंग के साथ, आईज, नोज, टंग, बराबर, स्किन और ईयर्स, ईयर्स यानी कि कान, बराबर। तो ये हमें सेंस देते हैं, इसके लिए इसको क्या कहते हैं, ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन। कितने हैं टोटल, 5। आपको नहीं मालूम है
तो उसे अच्छे से देखना है, क्योंकि ये जनरल नॉलेज है, आपको आना चाहिए। अगर ये किसी इंडिया में बोलेंगे तो भी यही लिखेंगे, फॉरेन में बोलेंगे तो भी यही लिखेंगे, खाली लैंग्वेज अलग अलग होगा, बराबर। जैसे कि स्किन को हम त्वचा कहते हैं, कोई त्वचा करके लिखेगा, लेकिन उसका मीनिंग एक ही है कि हमारे सेंसरी ऑर्गन कितने हैं, 5, बराबर। अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं, उसके ही सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। अभी देखो प्राइम नंबर्स आपको समझने, पहले तो 1 प्राइम नहीं होता, 2 है, 3 क्योंकि 1 और 3 के टेबल में आता है, 4, 4 देखो 1 2 4, यानी कि 3, 2 से ज़्यादा नंबर हुए, बराबर, तो क्या होता है वो प्राइम नहीं होता है, तो 4 नहीं आएगा। 5 5 देखो 1 और 5 के आता है तो 5 आएगा, 6 1 के टेबल में आता है, 2 के आता है, 3 के आता है, बहुत सारे टेबल में आ रहा है तो 6 नहीं प्राइम नंबर। 7 देखो 1 के नंबर में और 7 के टेबल में, बस। इसके बाद 8 8 तो इवन है तो होगा ही नहीं, बराबर। 9 देखो, कुछ कुछ बच्चे 9 लिख देते हैं, लेकिन अगर आप समझोगे तो 9 देखो, 9 1 के टेबल में आ रहा है, 3 के आ रहा है और 9 के आ रहा है, 9 के भगवान कितने हो गए, 2, तो ये प्राइम होगा क्या, नहीं। 10 तो ऑब्वियस नहीं, इवन नंबर है। इसके बाद है 11 13 17 और 19। 15 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 15 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 15 तो बहुत सारे टेबल में आ रहा है, इसलिए 15 नहीं आएगा। प्राइम नंबर्स टेबल से रिलेटेड है, इसको ध्यान में रखो, प्राइम और ऑड को कन्फ्यूज़ मत करो, ओके। यहाँ पे ये एक आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं, जैसे चैत्र वैशाख वाला है वैसे ये भी एक होमवर्क है। नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, टोटल कॉन्टिनेंट्स कितने हैं, 7, तो 7 कॉन्टिनेंट्स आपको यहाँ पे एक एक करके लिखने हैं, और उसका स्पेलिंग बराबर होना चाहिए। जैसे कि कॉन्टिनेंट है एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया, बराबर, आई थिंक 4 और अफ्रीका, टोटल 7 कॉन्टिनेंट हो गए। ये आपको अच्छे से लिखने हैं विथ करेक्ट स्पेलिंग, ओके। अभी देखो ये तो आसान था, इसमें सबसे डिफिकल्ट नहीं कहूँगा, लॉजिक वाला पार्ट जो है ना वो है आपका क्वेश्चन नंबर 5। राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग रूल मेथड, क्या बोला है, इसे यूजिंग रूल मेथड आपको लिखना है। रूल यानी कि मैंने बोला फॉर्मूला मेथड में लाना है, ये तो लिस्ट दिया है ना, कॉमा 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 दिया है, मतलब क्या दिया है, लिस्ट, उसको रूल में लाना है। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, देखो ये 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है, इनको आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको इसमें, ऑब्जर्व करो अच्छे से। अगर कोई बच्चा होशियार है, ऐसे तो सब होशियार होते हैं किसी ना किसी चीज़ में, लेकिन अगर कोई भी जिससे मैथ से अच्छा रिलेट कर रहा है, बराबर, उसको समझ में आएगा कि ये सब स्क्वायर्स दिए, 1 से 10 तक के स्क्वायर है। तो इसको मैं लिख रहा हूँ कैसे, ये पहला वाला 1 का है, दूसरा वाला 2 का है, तीसरा वाला 3 का है, स्क्वायर है, सब स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर हमें लिखने हैं। कहाँ तक दिए हैं, 10 तक, तो 10 तक लिख दिए। अभी एक चीज़ ध्यान में लिखनी है, ये हमारा आंसर है क्या, नहीं, बराबर, आंसर हमारा देखो फॉर्मूला मेथड में आना चाहिए। तो एक सेट है, यहाँ पे मैं कोई भी नोटेशन देता हूँ, एक्स 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 एक्स, यानी कि ये नंबर वाला, बराबर। अभी देखो ये जो एक्स है, बराबर, एक्स एक्स करके कॉमा दे, ये जो एक्स है, ये एक्स क्या है अपना यहाँ पे, बराबर, यहाँ पे देखो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, बराबर। तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पे मुझे क्या लिखना है कि अंदर देखो जो चेंज हो रहा है, ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट चेंज हो रहा है ना, जो चेंज हो रहा है उसको आपको स्मॉल एन देना है, क्या देना है, स्मॉल एन। और स्टेबल क्या है यहाँ पे, 2 2 2 2, हर एक नंबर में स्टेबल है ना, उसको आपको क्या लिखना है, ये फॉर्मूला हो गया आपका, क्या हो गया, जो चेंज हो रहा है उसको मैं क्या दिया, एन, और स्टेबल क्या है, 2, उसको मैंने ऊपर लिखा, यानी कि एन का स्क्वायर। अभी ये एन मतलब क्या है, कि ये एन है, 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल, तो एन बिलोंग कर रहा है किसको, नेचुरल नंबर को, इसके लिए कैपिटल स्मॉल एन बिलोंग्स टू, यानी कि ये जो नंबर है वो नेचुरल नंबर वाले नंबर है, तो मुझे स्टेटमेंट में मैंने वर्डिंग में सिंबल में ऐसे लिख दिया। कॉमा करके मुझे और एक लिखना है, नेचुरल नंबर कन्फर्म 1 से स्टार्ट होते हैं, सबको मालूम है, बराबर, लेकिन ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, इधर 10 तक ही लिखा है ना,
इनफाइनाइट तक गया है क्या? नहीं, तो मुझे यहाँ पे लिखना है एन जो नंबर है वो 10 है इक्वल, ये इक्वल मतलब 10 है और 10 से छोटे है। देखो 10 है और 10 से छोटे है। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, देखो ये बच्चों को, बहुत बच्चों को यहाँ पे दिक्कत होती है, लेकिन इसके लिए मैं और एक सम लेने वाला हूँ यहाँ पे नीचे, इसके लिए अच्छे से समझो। देखो ये मैंने एक्स्ट्रा बनाया है सम, ऑब्जर्व करोगे तो क्यूब है। क्या है ये? क्यूब। पहला 1 का है क्यूब यानी कि 3 आता है ऊपर, दूसरा 2 का है, तीसरा 3 का है, फोर्थ इस 4 का, और ये 5th का क्यूब है। अगर मुझे सेट बनाना है तो मैं कुछ भी यहाँ पे एक लेटर लिख लो, आप y/y लिख देना है, x यहाँ पे लिख रहा हूँ तो y यहाँ पे लिखा। फिर फॉर्मूला बनाना है, फॉर्मूला यानी कि अंदर वाला जो पार्ट है ब्रैकेट वाला जो चेंज हो रहा है उसको स्मॉल n देना है, और जो स्टेबल है उसको क्या है, क्या है 3, वो ऊपर लिख लिया एज इट इज़, चेंज हो रहा है उसको n देना है। कॉमा किया मैंने, अभी ये n स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 मतलब नेचुरल नंबर है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि ये जो n मैं लिख रहा हूँ वो सब क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सिंबल में लिख दिया, ओके। और लास्ट क्या होता है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है लेकिन एंड कहाँ पे हो रहा है, 5, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि ये जो n है मेरा वो 5 तक ही है, 5 तक के लिए, देखो 5 से छोटे है और 5 तक के लिए यहाँ पे इक्वल लिखना है, जैसे कि इसको क्या कहते हैं, n इज लेस देन इक्वल टू 5, मतलब n जो है मेरे ये अंदर वाले नंबर जो है वो 5 से छोटे है और 5 तक है, इक्वल लिखा तो 5 तक, नहीं लिखा तो आपके मार्क्स जाएंगे, क्योंकि अगर इक्वल नहीं लिख रहा हो तो 5 से छोटे यानी कि 4, तो 4 तक है क्या, नहीं, कहाँ तक है, 5 तक, इसके लिए मुझे 5 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे नीचे देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपके टेक्स्ट बुक का, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 का 2 बराबर, यहाँ आपको देखना है अच्छे से क्या है ये। देखो आपको लॉजिक लगाना है, ये सब बड़े मज़ेदार है लेकिन आपको लॉजिक लगाना है कि यहाँ पे 6 से स्टार्ट हो रहा है, 12 है, 18 है, अगर किसी को कॉमन सेंस है तो उसको समझ में आए कि ये टेबल है, यानी कि 6 × 1, 6 × 2, 6 × 3, 6 × 4, 6 × 5, 6 × 6, 6 × 7, 6 × 8, ये नंबर है, टेबल है बराबर। अभी मैंने क्या कहा कि अगर आपको रूल मेथड लिखना है, रूल मेथड लिखना है तो आपको क्या करना है, कोई भी एक लेटर दे दो, जैसे कि मैंने जेड जेड दिए, एक्स एक्स, वाई वाई, जेड जेड, ए ए, बी बी, कुछ लिखना है वो लिख दो, और इसका मतलब क्या होता है, जेड इज अ सेट ऑफ, यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला क्या आएगा, मैंने क्या बोला फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखो जो सेम है उसको एज इट इज़ लिखना है, जैसे कि यहाँ पे सेम क्या था, स्क्वायर, तो उसको एज इट इज़ लिखा, सेम क्या था, क्यूब, तो उसको एज इट इज लिखा, चेंज क्या हो रहा है, अंदर वाला पार्ट चेंज हो रहा है तो उसको मैंने एन लिखा, जो चेंज हो रहा है वो अपना एन होगा, यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, ये वाला पार्ट यहाँ पे लिख देता हूँ 6 × n, क्योंकि एन मेरा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अभी ये एन क्या है, 1 से स्टार्ट हो रहा है जो चेंज होने वाला पार्ट है, कहाँ तक जा रहा है, 8 तक, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि एन 1 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अगर 0 से होता तो यहाँ पे होल आता, डब्ल्यू आता, लेकिन 1 से हो रहा है इसलिए नेचुरल नंबर, ओके, समझ में आ रहा है, आगे जा रहे हैं। अभी ये जो n है मेरा वो कहाँ तक है, 8 तक, तो मुझे ये लिखना पड़ेगा n इज लेस देन इक्वल टू 8, क्योंकि n मतलब नेचुरल है, यानी कि 1 से तो स्टार्ट हो रहा है लेकिन मुझे कहाँ तक बनाना है, खाली 8 तक, इसके लिए लेस देन इक्वल टू लिखना है। सेम एक क्वेश्चन आपको दिया है, मैं यहाँ पे खाली बायफर्केशन करके देता हूँ, आपको दिमाग लगाना है कि कैसे लिखोगे, सेम है ऊपर के जैसा, 5 × 2, 5 × 3, 5 × 4, 5 × 5, 5 × 6, ओके। इसका आप मुझे रूल मेथड में यहाँ पे सेट बना के बताओगे, आना चाहिए सबको, नहीं आ रहा है तो वापस एक क्वेश्चन देखो, एकदम सिंपल है, लॉजिक कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके टेक्स्ट बुक का, सी इज इक्वल टू, आपको कुछ लेटर्स दिए हैं और उस लेटर से आपको क्या बन रहा है, देखो लेटर से एक वर्ड बन रहा है स्माइल, तो यहाँ पे क्या लिखना है, y/y कुछ भी लिख दो आप चलेगा, इज, अब यहाँ पे मैथमेटिकल फार्मूला तो नहीं बनेगा, कुछ नंबर नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, इज अ लेटर, जो ये सब लिखे ये लेटर है ना, इज अ लेटर, किस वर्ड के लेटर है, ऑफ स्माइल, तो अगर कैपिटल में लिखा है तो आपको भी कैपिटल में ही लिखना है। देखो अगर कोई वर्डिंग में दिया है, वाई वाई इज अ लेटर ऑफ स्माइल, जैसे कि ये 5th वाला है, देखो सेम,
यहाँ पे क्या गया, एक्स इज अ सेट ऑफ कुछ भी लिख दो, एम एम ए कुछ भी, ए मत लिख, यहाँ पे ए इसके लिए एम एम लिख दिया, इज अ सेट ऑफ वर्ड। अभी कौन सा वर्ड बनेगा यहाँ पे, आपके हिसाब से जो बनाना है बन सकता है, मीनिंगफुल वर्ड ही चाहिए। देखो स्मॉल लिखा है तो मैंने टी, कोई किसी को यहाँ पे टी नहीं दिखेगा, किसी को यहाँ पे ईट दिखेगा, किसी को यहाँ पे एट दिखेगा, तो ये तीनों भी मीनिंगफुल है ना, कुछ भी आपने लिख दिया तो भी चलेगा, लेकिन मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए जो इन लेटर से बनता हो। समझ में आया, तो कैसे वर्ड में आया तो कैसे लिखना है, नंबर में आया तो कैसे लिखना है। अभी यहाँ पे देखो ये भी वर्ड है, लेकिन ये क्या है, वीकडेज है ना, बराबर। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्स एक्स इज अ डे ऑफ अ वीक, ये जो मैंने लिखे, ये जो सेट दिया है वो क्या है, डे ऑफ अ वीक, वीक में आने वाले दिनों का सेट है, ऐसे आपको लिखना है। तो इस तरीके से आपका 1.1 यहाँ पे कंप्लीट होता है, एकदम सिंपल है। अच्छे से देखो, एक बार दो बार देखो, रिवाइज करो वीडियो को, बराबर। जो भी डाउट्स है हम जूम सेशन में ले लेंगे। ओके ठीक है, थैंक यू।